पेमेंट ट्रक के पास कौन है? जाइए मैडम। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाई साहब, आपसे दो मिनट बात कर सकते हैं? ये लड़की दिन दहाड़े ऐसा कर रही है, वो भी पुलिस की मदद से। Thank you so much. रम्या, तुम वैन के पास जाओ, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। समझदार है। जो भी आपसे ये काम करवाया, उन शैतानों की हड्डियां तोड़ दूंगा, आपको इनके चंगुल से आजाद करा दूंगा। तब तक आप इस सरकारी चीज को फेंक क्यों नहीं देती? ये क्या कर रहे हो? इसी से हमारा काम चलता है। हर रात के बाद सवेरा होता है, थोड़ा मेरा थोड़ा तेरा होता है। क्या हुआ बेटी? हाँ, हो गया डैडी। डैडी मतलब फादर। डैडी, ये एकदम पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, देखिए। क्यों बेटा? बोली, गॉगल लगा के कोई हैंडसम लड़का अगर इस एरिया में घूम रहा है तो वो गलत नहीं कर रहा है, मैं समझ सकता हूँ। पर्स ढीला करो, अपना करेक्टर नहीं, प्ले सेफ। यानी खुद बाप ही अपनी बेटी से वो वाला धंधा। समझ गया, मेरी हीरोइन को उसके बाप के चंगुल से आजाद कराना ही पड़ेगा। देखो दोस्तों, मेरी डार्लिंग और उसका बाप यहीं पर रहते हैं। अच्छा। हाँ, देख लिया। चलो रुक गया, टाइम पास करने नहीं, किडनैप करने आए। चलो। अच्छा अच्छा, इधर आ। आता हूँ भाई। मैं आगे जाऊंगा, तुम लोग मेरे पीछे आओ। अब क्या हुआ? अंदर कुछ चल रहा है, पहले चल के देखते हैं। मेरे पैर के नीचे जमीन खिसक रही है, अंदर तूफान आया है। मत कर, तुझे जो बोला है वही कर। कमॉन कमॉन। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। देखिए डैडी, मैं ये काम नहीं कर सकती। तू अपने बाप से बात करे, इस बात का पता है तुझे? हाँ पता है। लगता है उसका बाप है। ये मेरी जिंदगी है, मैं ऐसा नहीं कर सकती डैडी। शादी करके घर बसाना चाहती हूँ, मैं अपनी मर्जी से अपनी दुनिया बसाना चाहती हूँ। मैंने जैसे कहा, पहले 6 मिनट उसके साथ गुजार, फिर 7वें मिनट में उसके साथ 7 फेरे ले लेना। मैं अगरबत्ती की तरह सबको खुशी नहीं देना चाहती, भगवान के पास पवित्र कपूर बनके घरवाली की तरह रहना चाहती हूँ। डैडी आप मेरी बात समझिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैंने तुम्हें जैसा कहा है तुम्हें वैसा ही करना देख, पड़ेगा। वो लड़की कितनी अच्छी है। हाँ, वो लड़की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है वो लड़की। आज छोड़ूंगा नहीं, इसका क्रम तमाम करके रहूंगा। हाँ चल। कौन है आप लोग? कैन आई हेल्प यू? अरे रुको रुको रुको, अरे रुको, अरे पहले मुझे ये बताओ, तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो? अरे मेरी गलती क्या है? अपनी बेटी से धंधा करवाता और पूछता है क्या गलती की है? अरे अरे अरे, ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? अरे मेरी इकलौती बेटी है, उसकी शादी की चिंता है मुझे। समझ गया, शादी का खर्चा निकालने के लिए ये सब कर रहा है। क्या हो रहा है? एक चाय पी कर आते हैं, उसके बाद इसे मारते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसे दोस्ती कर लूं तो वो सारी लड़कियां मेरी हो जाएंगी और फिर मैं रोज नहीं नहीं। अरे बबलू, तुम लोग जाओ, मैं इसका ध्यान रखता हूँ। मुझे माफ कर दो सर। क्यों? मैंने आप पर हाथ उठाया इसलिए सर। अरे पर ये तो बताओ, मुझे मार क्यों रहे थे? आप तो हाथी जैसे विशाल दिल वाले बाप है सर। हाथी जैसा विशाल दिल? क्या सर, मेरे सामने भी एक्टिंग? अरे यार सीधे मैटर पे आओ तो ना। फिर तुम कल मैं आपके घर आऊंगा आपकी लड़कियों से मिलने। मेरा चेहरा याद रख लीजिए सर। ये देखिए, याद रहेगा ना आपको? मेरा चेहरा हीरो से मिलता है ना सर। सलमान खान और शाहरुख खान से ज्यादा खूबसूरत हो तुम, तुम्हें मैं कैसे बोलूंगा? थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये बताओ तुम कब आओगे? सूरज उगने पर आऊंगा, सूरज डूबने तक घर में रहूंगा सर। मुझे छोड़ दोगे तो वो लोग तुम्हें कुछ बोलेंगे नहीं। मैं हूं ना। यही है सर, इसे पकड़ लो, बाकी के सब भी मिल जाएंगे। आपके हिसाब से चलने के रूल्स नहीं है। मैं रूल्स के हिसाब से चलूंगा। उसने अगर कुछ गलत किया तो उसे रेड हैंडेड पकड़ूंगा। इसके हाथ में रेड पेंट लगाना है।
बाप बाप बाप, इतनी सारी हुस्न की परियां, बाप रे बाप, मजा आ जाएगा। आज तो दिवाली दशहरा दोनों साथ में मनाऊंगा, मजा आ जाएगा। दिल तो पागल है मेरे सनम। हे नूनू, पहले तुम। ये लो, पहले तुम। कितनी भी देर हो जाए पर साथ से मिलकर जाऊंगा। ओके, बाहर तो माहौल एकदम झमाझम है, अंदर इतनी शांति क्यों है? ये देखो, ये झमाझम म्यूजिक सीडी है, इसे लगाओ और सबको झुमाओ। सारे वॉचमैन अंदर क्या कर रहे हैं भाई? हम वॉचमैन नहीं हैं। नहीं तो फिर पोस्टमैन होंगे? नहीं तो लाइनमैन होंगे? नहीं तो ऑटोमैन होंगे? अरे बाप रे, अंदर क्या हो रहा है? नहीं जानती, धुलाई हो रही है। अब बता वो चारों कहाँ हैं? मैंने कहा ना सर, दोस्तों से दगा नहीं करूंगा। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे लोकल नार्कोटिक्स का इंजेक्शन लगा दो। मतलब? Thank you. What can I do for you, sir? ये क्या रे, पुलिस लेके आया है? बुड्ढे ने जरूर कंप्लेंट की होगी। सर इस रूम में कोई नहीं है। सर यहाँ पर भी कोई नहीं है। सर वो लोग तो ऊपर भी नहीं है सर। तो फिर कहाँ गए वो लोग? मैं नहीं बताऊंगा कि किसी की चप्पल दिख रही है। ए, चल बाहर निकल। सर सर मैंने कुछ नहीं किया सर। चुप है। नहीं रे, तू कहाँ है? अरे मेरी छोड़ ना, तू अपनी बताना, तू कहाँ है? मैं घर में खाट के नीचे हूँ। अच्छा, मेरी बात सुन, तू उस इंस्पेक्टर के हाथ मत लगना, वो एक नंबर का कमीना है, सप्लायर कहीं का। तुझे कैसे पता? नेट पे देखा था। अबे उठ जरा, मैं तेरे सामने ही हूँ। अरे तो सामने आ गया। क्या रे, मैं सप्लायर हूँ। मुझे मारोगे और इसे नहीं मारोगे तो नाइंसाफी होगी। तू चुप कर। सर मुझे मार से बहुत डर लगता है। एक काम करो, बाकी के दोनों दोस्तों को पकड़वा दो, मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ। सालो मुझे पकड़वाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सरेंडर कर रहा हूँ। सर आई एम सी ए वेंकटेश, नाइस मीटिंग सर। सर ये दोनों मिल गए ना? सर मुझे बहुत खुशी हुई। सर दिवाली डिस्काउंट पे मुझे ऐसी बात है तो बंपर ऑफर के तौर पर तीनों को मारते हैं। सर ये तीनों ही हैं या कोई और भी है? एक और है सर, वही असली हीरो है। ये कैसा, जिसने गलती की उसे नहीं मारे, हमें ही मारे जा रहे हो, तो साइबर क्राइम है। क्या अरे क्राइम? ये बाप है क्या? ये खुद ही अपनी बेटी से धंधा करवाता है। ये किसी के भी पिताजी नहीं है, ये यहाँ के कॉलेज में प्रोफेसर है। यहाँ के सभी लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं। आप पुलिस को बाजू में खड़ा करके ट्रक ड्राइवर को चॉकलेट की तरह कंडोम बांट रहे थे, क्या हमने नहीं देखा? ये लोग जो कॉन्डम्स बांट रहे थे ना, वो अनपढ़ लोगों को एड्स अवेयरनेस के बारे में बता रहे थे। ये लोग एक एनजीओ चलाते हैं, इसलिए इनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं। हमें माफ कर दीजिए सर। याहू, मजा आ गया। तुम लोगों को छोड़ के मैं पिक्चर देखने गया था, अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच भाइयों। अरे चिरकुट, क्या है भाई? वो लड़की मेरे बारे में क्या बोल रही थी पता है? मैं तुम्हारे दोस्तों की तरह नहीं हूँ। मुझसे गलती हो गई, उसको जाके सॉरी बोलना ही पड़ेगा। वॉचमैन? हाँ बोलिए। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट्स रहते थे, कहाँ? वो लोग रेलवे स्टेशन गए हैं। टेक केयर, बाय। ओके बाय। हेलो। हाँ, हाय। आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत समझा, इसलिए बड़ा वाला सॉरी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली मेरी वजह से आपके फ्रेंड्स को भी, आई एम आल्सो सॉरी। नहीं, आपको मुझे माफ करना ही पड़ेगा। वो क्यों? वो आपकी परमिशन के बिना मोबाइल में फोटो निकाला था, इसलिए। इट्स ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, सॉरी,
ना तो आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानती हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग से मिले थे और अंडरस्टैंडिंग से बिछड़ रहे हैं। इसमें मैं फ्रेंडशिप वगैरह अब ये सब फ्रेंडशिप कर लो, बाद में वो सब देखेंगे। हाँ ओके ओके, अगर फ्रेंडशिप नहीं करनी हो तो कोई जबरदस्ती नहीं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। आई बिलीव इन डेस्टिनी। अगर फ्यूचर में मिलना लिखा होगा तो डेफिनेटली फ्रेंडशिप होगी। ये तो बचना चाहती है। चेक कर लेता हूँ इसकी शादी तो नहीं हुई, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। अपना वाला पैंतरा आजमाता हूँ। आपकी साड़ी से ये सैंडल मैच नहीं करी, मुझे लगा इसलिए मैंने बोल दिया, बुरा मत मानिए। मेरी शादी नहीं हुई है। ऐसा नहीं है, ये तो होशियार है, मेरे मन की बात जान ली इसने। सुनिए, हेलो हेलो हेलो, समझ गया, शी लाइक्स मी, शी लाइक्स मी, वो मुझे पसंद करती है, लाइक्स इट यार। गुमच कटा, हेलो, हां वो सामने से बुलाया। हां क्या हुआ? मेरी शादी नहीं हुई है इसीलिए नाच रहे हो ना? हां तो वैसे मेरे माँ बाप भी मेरे लिए अच्छा रिश्ता देख रहे हैं। हाँ तो क्या, तो मैं भी किसी से प्यार कर सकती हूँ। हाँ कर सकती हो तो? तो तुम क्या करोगे? कल तुम जब अपने लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट करोगे तो मेरा चेहरा तुम्हारी आँखों से तुम हटा नहीं पाओगी। आँखों से तो क्या, तुम मुझे अपने दिल से भी निकाल नहीं पाओगी, यही मेरे लिए काफी है। हैप्पी जर्नी, बाय। ओ वकील साहब कैसे हैं? वेलकम भैया। मैं ठीक हूँ, थैंक यू। वेलकम दामाद जी। बाबूजी कैसे हो तुम? मुझे क्या होगा बाबूजी, मुझे क्या होगा, जेल लाइफ को भी लग्जरी लाइफ बना दिया, फुल एंजॉय किया। रियली? बाबूजी ये है रमेश। हाँ जेल में मुलाकात हुई थी, आज से ये हमारे साथ काम करेगा। दामाद जी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ। प्लीज। इतने दिनों तक किससे गुजारा करना पड़ा, लेकिन तुम मुझे यहाँ रिसीव करने के लिए आई, थैंक्स। मैं यहाँ तुम्हारा वेलकम करने नहीं आई हूँ। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके इतने दिन जेल में रहकर आए हो, तुम में कोई बदलाव आया या नहीं यही देखने आई हूँ। लेकिन लेकिन मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है। तेरी तो मैं अरे ये तुम क्या कर रहे हो? आखिर वो मेरी बेटी है और तेरी होने वाली बीवी, इतनी अकड़ तो होनी ही चाहिए। रिलैक्स। हाँ यू आर राइट। कॉलेज का टाइम हो गया, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। मैं प्लेबॉय, पर हर किसी को इनकरेज नहीं कर सकता, गॉट इट? स्टुपिड। हर्ट हुआ होगा। आई एम नार्निया फ्रॉम कैलिफोर्निया। इडियट, खुद को बड़ा स्मार्ट समझ रहा है। लास्ट वीक ही लैंड किया फॉर एंजॉयमेंट, यू नो, अमेरिका में तुम्हारे जैसी बेब्स बस स्टॉप पे वेट नहीं करती, मुझ जैसे यंग डायनामिक एनर्जेटिक गाइस का वेट करती हैं। पर्टिकुलरली ट्रैफिक जाम हो तब, देख रही हूँ उस रोड को कोई ट्रैफिक जाम नहीं है। राइट, लेट्स गो, कम। ये तो पूरा चिपकू लग रहा है, कॉलेज टाइम पर पहुंचना है तो इसे ही पकड़ना होगा। आई लाइक इट। मुझसे दोस्ती करने के लिए गोरी लड़कियां बहुत लालायित रहती थी, बट आई हेट देम। कम, शी चंपाकली, प्रीवियस स्टॉप पे मिली। हाय, आई एम पूजा। पूजा, लवली नेम, एज लवली एज यू आर। ओ दिस इज माय फोन, फीड योर नंबर। अच्छा फीडबैक दूंगा। व्हाट्स यू आर थिंकिंग अबाउट, फिट इन।
आफ्टर ऑल एनआरआई है और बन रहा है सलमान खान। जो मन में आता है वो नंबर डाल देती हूँ, आगे वो ही झेलेगा। फिर कर दिया। That's nice. Let's go. I believe in destiny. अगर फ्यूचर में मिलना लिखा होगा तो डेफिनेटली फ्रेंडशिप होगी। आरटीओ जाके इस नंबर की गाड़ी वाले का एड्रेस पता कर मुझे। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? हमेशा की तरह तेरी बर्थडे पार्टी का पूरा खर्चा मेरा होगा। गर्लफ्रेंड बिना वाली तेरी जिंदगी को कैसे मस्त और रंगीन बना देता हूँ, कल के बारे में सोच यार। पार्टी, गर्लफ्रेंड, क्या बोल रही है? कहीं मुझे फंसा तो नहीं रहा ये? सेम कार है, करेक्ट एड्रेस भी है। मिस्टर नारनिया? यस, आई एम नारनिया, स्टिल बैचलर। लगता ही है उसका अंकल होगा, इससे ही उसका पता ले लेता हूँ। आपसे पर्सनली कुछ बात करनी थी। वैसे तो मैं अरे गहरे को अलाउ नहीं करता, लेकिन तुम अच्छे इंसान लग रहे हो, कम इन। थैंक यू। आप जैसे स्टाइलिश मैन के लिए बैचलर लाइफ सही है सर। कैसे? शादीशुदा जिंदगी में क्या है सर, डीडी चैनल की तरह एक ही सिंगल चैनल बोर, और बैचलर लाइफ में कलरफुल लाइफ प्राइवेट चैनल की तरह रहता है, ए टू एफ, और चैनल से चैनल होते हैं, रिमोट हाथ में लो और जो भी देखना है देखो। ओह फैंटास्टिक, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। कम ऑन, कम ऑन, टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। इस लड़की के बारे में डिटेल बता सकते हैं सर? ओह दिस इज पूजा, वेरी नाइस गर्ल। पूजा सर, और कुछ बताइए ना सर, प्लीज। आई लव दिस गर्ल, शी इज स्टॉलन माय हार्ट। कंटेंट समझा पर रीजन समझ में नहीं आया। अच्छा, दूसरों की गर्लफ्रेंड के बारे में बात करो तो इंडिया में ऐसा ही होता है। झूठ मत बोलना, एक बात सच सच बताना बुढ़ाओ। तेरी उम्र कितनी होगी? 25। बोला ना झूठ नहीं सच बोलने का। 30। 35? नहीं। 35 सच में? कुछ दिन पहले मेरी मम्मी ने हैप्पी बर्थडे मनाया था, प्रॉमिस। 40। देखा घंटा भी बच गया, यहाँ फिक्स कर दे, नो प्रॉब्लम। 40 प्लीज, 40। ठीक है, पूजा को फोन कर। चल पूजा को, दो दिन से ट्राई कर रहा हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है। अभी ट्राई कर। अभी? ठीक है। हेलो, कौन है? पूजा। रॉन्ग नंबर, हराम खोर। हराम खोर? ए, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। इज्जत से बात करना, रिस्पेक्ट की बात करता है। रिस्पेक्ट किया तेरे उसमें। ये क्या हुआ? ये ब्लड है, उसने फोन में इतनी गाली दी, गालियों में पीएचडी किया, इतनी गालियां देता, गंदी गंदी देता, पागल कहीं का कुत्ता कमीना। मैं वो सब नहीं जानता, मुझे तुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं पूजा से मिलना चाहता हूँ बस, कल सुबह वापस आऊंगा, ठीक है? कल सुबह? अच्छा कल शाम को आऊंगा। कल शाम को? परसों सुबह आऊंगा। अब घंटा भी बच गया है, सब कुछ फिक्स है, समझा? कहां से आ गया? ए पूजा, कहां जा रही हो? बताना जरूरी है। ए पूजा। अरे बेटा, ये तेरा होने वाला पति है, इसे पूछने का हक है। ये? ए, मुझ में क्या कमी है? हाय। अगर तुम्हारे घर वालों ने कोई रिश्ता देखा तो, या तुमने किसी से प्यार किया तो तुम्हें मेरी याद आएगी। मैंने कहा था ना, किस्मत में हम दोनों का मिलना लिखा ही लिखा है। क्या देख रही हो? क्या देख रही हो ऐसे? क्या देख रही हो बोलो तो। पूजा, ये तुम किस पर गुस्सा कर रही हो? तुम सोशल वर्क के नाम पर कहीं पर भी जाती हो, मैंने आज तक मना किया,
मुझसे तुम एक भी पैसा नहीं लेती हो। तुम्हें घर पर खाना खाए कितने दिन हो गए? मुझे डैडी बुलाए कितने दिन हो गए? हाँ, आखिर क्यों क्यों कर रही हो ऐसा? तुम अपने प्यार को ना पा सकी, इसीलिए दीदी ने सुसाइड कर लिया। ये जानकर भी मैं इस घर में क्यों रहती हूँ पता है? क्योंकि उसी तरह आप भी हर पल औलाद के प्यार के लिए तरसो। हो गया, चलो बला टल गई, अब ये परेशान नहीं करेगा। अरे वो आ रहा है। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। यार तुझसे परेशान होके नारनिया ने घर बेच दिया। हम लोगों को कुछ तो करना ही पड़ेगा। कान इधर ला। अरे सुनना, अभी बताता हूँ। अरे ने, यही वो साइको किलर रेपिस्ट है जो बुर्का पहन के लड़कियों के साथ बलात्कार करता है। भागो 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 भागो। अरे नजमा, क्या देख रही है? भागो। मैं क्या करूँ? अब मजा। ओहो, बुर्का पहना तो भी कैसे पहचान लिया? अरे यार, कोई भी हाउस फॉर सेल लिखे तो नॉर्मल है, पर कोई तुम्हारी तरह हाउस इज सोल्ड का बोर्ड लगाता है क्या? और वो भी दो दो लैंग्वेजेस में। बहुत शार्प है, बचपन से शार्प है सर। मैं पूजा से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए ये हरकतें कर रहा हूँ। सॉरी सर। ओके ओके। आपका मोबाइल मार्केट में कहीं नहीं मिल रहा था, मुश्किल से रेस में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जीता। थैंक यू। अपने बीच में थैंक्स क्या, हम सब तो यंग है। ये टकला और तोंदू यंग है, वैसे चोरी का मोबाइल खरीद कर लाया और बोलता है कि रेस में जीता है। बस हमारा पेट बाहर नहीं है। और आपका देखो, यही ना, यही तुम्हारा प्रॉब्लम है ना। 6 मंथ बैक मैं भी तुम्हारे जैसा था। फैमिली पैक, 6 पैक, 8 पैक, 14 पैक कॉमन है ना। फैमिली पैक, फैमिली पैक कर दिया। भाभी से मिला रहे हो या नहीं है? ओके 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 ओके। आपके पास फोन नहीं था ना, तो कॉन्टेक्ट नहीं कर पाए होंगे। इधर आना। सच में मैं पूजा को नहीं जानता। छोड़िए सर, कॉमेडी में आप किंग है, हम सब जानते हैं। अपने बीच क्या कॉमेडी? नो 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 नो, कल आप, मैं और पूजा, हम सब मिलके आपके घर में बैठ के आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मैच देखेंगे। क्रिकेट मैच का? यस। ओके 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 ओके। ए चल भैया, ओके लाना पड़ेगा, पूजा को ढूंढ के कहीं से भी। ये ले टिकट, बैठ जा। ए देखता नहीं क्या? सॉरी। हाय। अरे सीधा बैठना। आप यहाँ? यकीन नहीं हो रहा, आप और यहाँ? नहीं। ओके ओके, कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न, कॉफी, पॉप, डिस्को। ओके ओके, एक मिनट, मैं बात करता हूँ। मैडम, आप मेरे बेल्टर ग्रुप में शामिल हो जाइए। अच्छा, इसकी छोड़ो। आपने कहा था ना आप डेस्टिनी में मानती हैं, तो अब यहाँ देखिए हम सिनेमा हॉल में कैसे मिल गए। इत्तेफाक से मिल गए, तो मुझसे फ्रेंडशिप करो ना। यानी आपने अभी तक मुझे उस भूल के लिए माफ नहीं किया है। नो नो, नथिंग लाइक दैट। फ्रेंडशिप करो ना, प्लीज प्लीज। आई एम पूजा। मैं बबलू। और ये सर? ये फालतू दोस्त हैं, कभी कभी काम आते हैं। सिनेमा देख रहे हैं। अबे सामने ना। बाबूजी वो यहीं पर है। ए भाई, लाइन में रहो। मैनेजर साहब। सर, नमस्ते सर। बुलाने पर भी तू नहीं आया, क्यों? सर वो, चल मैं ही आ गया। देखा कैसे लाइन पे आ गया? हाँ बाबूजी। पूजा की गाड़ी यहाँ? सच में बहुत मजा आया था। चीयर। जरा नौटंकी करके दिखा। भाई उस दिन जिसने हमें मारा था भाई, ये वही है भाई। वो उसकी तो ठीक से अभी मूंछ भी नहीं आई है। देखने में ऐसे भोला लगता है, लेकिन वो मारता बहुत जोर से है भाई।
उस दिन जब उसने मुझे मारा था ना भाई, ऐसा इफेक्ट आया था भाई कि मेरा सर चकरा गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। प्लीज 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 पूजा, एक फोटो, एक फोटो प्लीज प्लीज पूजा प्लीज प्लीज बोलते सब पीछे से हट जा, एक फोटो प्लीज, एक और, एक और, एक अच्छा वाला, वाह वाह स्माइल के साथ, ये कैसे स्माइल, एक और बाबूजी मार डालो उसे। नहीं देखो उसे, आज वो कितनी खुश है, उसकी इसी हंसी के लिए मैं तरस गया था। अभी उसे हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, चलो बाद में सोचेंगे उसका क्या करना है। सुन भाई, उसको फॉलो कर, ठीक है भाई, बाबूजी को पता ना चले। ओके भाई। ओए बबलू, अब तो बता दे उसे अपने प्यार के बारे में। कॉलेज में मैं जिन लड़कियों को मना करता था उन्हें कितना बुरा लगता होगा मुझे पता है, और मैं नहीं चाहता कि मैं और पूजा अपनी जिंदगी में मिल ना पाए, इसलिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, समझा क्या? नहीं समझा। ऐसा कुछ जिससे पूजा मुझे खुद प्रपोज करे। ए, ये तो पुराना मैच है, फिर भी इतना एक्साइटमेंट? तुझे क्रिकेट की काफी जानकारी होगी ना? या हाँ, क्रिकेट के बारे में कुछ भी पूछना हो तो उससे पूछ। ऐसा क्या? एक मिनट, इसका मतलब क्या? एक आउट। वेरी गुड। इसका मतलब क्या? दोनों आउट। तो बता, अब तो तू समझ गया होगा ना उसका टैलेंट। अरे छोटे, मामा जी आप? अच्छा एक बात बता, मामा जी आए ये कैसे मालूम पड़ा? मेरी फैमिली में मेरे मामा जी ही मुझे छोटे कह के पुकारते हैं। ये ले। क्या कर रहे हैं? मामा जी क्या बात है, आप अचानक यहाँ? हाँ कोर्ट के काम से यहाँ आया था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। मामा, पर हमेशा की तरह तुरंत मत चले जाना, हा? कल शाम तक रुकना ही पड़ेगा। ठीक है छोटे। मामा एक मिनट। अरे रुक तो सही, अपना ब्रांड है मामा। अरे सुन तो सही, बैठिए। पर हमेशा मैं ही आता हूँ, तुम लोग भी तो कभी आओ हमारे यहाँ। आएंगे, जब बबलू की शादी होगी तो आपके घर जरूर आएंगे। छोटे की शादी, क्या बोल रहा तू? आपके लिए एक फ्रेश न्यूज है, वो पूजा नाम की लड़की से प्यार करता है, शादी भी करने वाला है। वो इतना आसान नहीं है। क्यों? शादी की बात सुनते ही इसे, इसके तीनों कुंवारे बड़े भाई इसे घर से बाहर निकाल देंगे। क्या मतलब? बबलू के बड़े भाइयों की अभी तक शादी नहीं हुई है? हाँ शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है? हेडलाइन नहीं, पूरी बात बताइए। गांव में बबलू की फैमिली सबसे गरीब थी, वो सब मिल के पांच भाई थे। बचपन में ही माँ बाप गुजर गए तो फिर बबलू के लिए उसके बड़े भाई सब कुछ थे, और उसके भाई सिर्फ अपने भाइयों के लिए ही जीते थे, मगर घर में उनका ख्याल रखने वाली कोई भी औरत नहीं थी। इन बच्चों को माँ बाप के रूप में भाभी मिल जाए तभी एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। बेटा हमारे पास सब कुछ है, हमारी इकलौती बेटी है, बस हमें इसकी बहुत ज्यादा फिक्र रहती है। हम लोग कोई ऐसा परिवार देख रहे थे जो इसका अच्छी तरह से ख्याल रख सके, तभी आपके परिवार का पता चला। ये मेरे बड़े भाई का लड़का है, इससे जो पूछना है पूछ लीजिए। जनरली मैं सेंटिमेंटल नहीं हूँ पर शादी का मामला है। फ्रेंड्स नमस्ते। नमस्ते। अगर आप बुरा ना माने तो इनसे मैं पर्सनली बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, सुनो सब चलो यहाँ से। नहीं नहीं तुम लोग बैठो। मंजू जी मेरे भाई मेरे जैसे कष्ट न उठाए इसलिए शादी कर रहा हूँ, लेकिन मैं कभी भी अपनी जिम्मेदारी भूलूंगा नहीं। मैं आपके बारे में सब जानती हूँ, अगर आपके भाई हमारे साथ रहेंगे तो मुझे कोई परेशानी नहीं। और फिर भानु की शादी हो गई, कुछ वक्त तक उसका घर संसार अच्छा चलता रहा। शादी के बाद भी भानु अपने भाइयों से उतना ही प्यार करता था। अजय सुनिए। धीरे धीरे उसको लगने लगा कि उसका पति उससे दूर हो रहा है, और फिर घर में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाइयाँ होने लगी। हर वक्त सिर्फ भाई भाई भाई, मैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ ना। मैंने तो पहले ही कहा था ना ये लोग मेरी जान है। और आपने ये भी कहा था कि आप पति बनकर पति का धर्म निभाएंगे। हाँ तो निभा तो रहा हूँ। अरे प्यार से आपके लिए कुछ बनाती हूँ तो उन्हें खिला देते हैं, बेडरूम में पर्सनल कुछ बात करनी हो तो उनके सोने तक हमें इंतजार करना पड़ता है। तो इसमें गलत क्या है? ये बातें बोलने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन आप मेरी जगह होते तो आपको समझ में आता।
उनकी वजह से उनके भाई और भाभी में झगड़ा हो रहा है, यह सोचकर चारों भाई मेरे पास आए। भाइयों से दूरी भानु भी नहीं सह पाया, बीवी को छोड़कर वो भी मेरे पास आ गया। मेरे समझाने पर बबलू को पढ़ाने के लिए शहर भेजा और भानु भी हमारे साथ रहने लगा। सेंटिमेंट्स के कारण वो अपने भाइयों के साथ रहता है। उसके भाई जिंदा रहेंगे तब तो बड़ा भाई उनके साथ रहेगा ना। मतलब मतलब जीजा जी को तेरे पास सलामत ले आऊंगा। छोटे बच्चे हैं, सोचकर उन्हें मारने की कोशिश भी की, और जब ये बात भानु को पता चला चिंता मत करो बच्चों, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भानु उनको बचाने के लिए उनके साथ भिड़ गया। मुझे माफ कर दो बहन। रुक जाओ, मेरे भाई को हाथ मत लगाना। और भाइयों के कारण आखिर में लड़ते लड़ते उसकी जान चली गई। आने वाली औरत भाइयों को अलग कर देगी, यही सोचकर बचे हुए सारे भाई शादी नहीं कर रहे हैं। ओहो, बबलू की यही कहानी सुनकर सारी प्रपोज करने वाली लड़कियां भाग जाती थीं। क्या बड़बड़ा रहा है? बाबा जी कुछ नहीं, आपका ब्रांड आ गया। चीयर्स। बेटा ये कहाँ का ब्रांड है? स्कॉटलैंड मामा। मुझे लगा फॉरेन का ये माल है। अरे बेटा, मामा तेरी माँ के जाने के बाद हमारे घर की रौनक चली गई है। तू उस पूजा से शादी करके हमारे घर की रौनक वापस ला। पूजा? ए मुझे सब पता है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं हूँ ना तेरे साथ, तू आगे बढ़ बेटा। मैं हूँ, मैं सबको संभाल लूंगा। अबे तू एनआरआई है, तुझे पता नहीं कि मोबाइल चोर को पकड़ना कितना आसान है आजकल? मारो इसको। अरे बाप रे, बाप, अरे बाप, ए माँ, ए माँ। नारनिया यहाँ क्या कर रहा है सर? यूएस का नया फैशन है क्या, छोटे छोटे बच्चों की तरह ये चड्डा पहना और टी शर्ट पे टोमेटो सॉस? टोमेटो सॉस? हाँ। ये तुम्हें टोमेटो सॉस लग रहा है? मुंह खोल, ये मेरा ब्लड है, ओ नेगेटिव। तू क्या बात कर रहा है, हम कहाँ खड़े हैं पता तुझे? पुलिस स्टेशन। आप यहाँ क्यों आए? मैं खुद नहीं आया, ये लोग मुझे यहाँ पर लेकर आए। मारने की ट्रेनिंग ले रहे थे, ऐसे मार मार के मेरे शरीर की सारी हड्डी पसली तोड़ दी। कितना मारा? हुआ क्या था सर? तुमने मुझे रनिंग रेस का सेल फोन दिया था ना, उसी की वजह से हुआ है सर। ओह सॉरी सर, उस रनिंग रेस में तीन ही पार्टिसिपेंट थे, एक मैं, दूसरा मोबाइल ओनर और तीसरी पुलिस। बहुत मजा आया। चोरी का मोबाइल था सर, इसलिए आपको पुलिस ने पकड़ा। चोरी का मोबाइल था? एक बात बता, तुझे जब मैंने पहली बार देखा था तो सोचा था कि तू सॉफ्ट सॉफ्ट दिखता, पर है नहीं, तू बहुत चालाक लड़का है। लेकिन छोड़, कोई बात नहीं, अब तू मेरी वेल के लिए आया है, उसके लिए थैंक्स। नहीं सर, मैं उसके लिए नहीं आया। तो क्या के लिए आया? मैं और पूजा दोस्त बन गए हैं, क्लोज फ्रेंड्स बन गए हैं सर। मैं यही बताने आया हूँ कि आपको परेशान नहीं करूंगा। थैंक यू सर, क्यूटी क्यूटी, चिकू चिकू चिकू, बाय सर। नजर ना लगे। अरे कौन था? अरे वो तो पूजा थी। अरे लिफ्ट क्यों दे दी मैंने उसको? उसने मुझे रॉन्ग नंबर क्यों दिया? किस्मत किस्मत, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब दूसरे पुलिस स्टेशन में चल। क्यों सर? वहां वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं। ओह, इतनी देर कैसे हो गई? कहां गई थी? हाँ, कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस थे इसीलिए देर हो गई। भाई ये झूठ बोल रही है, अब तक ये बबलू के साथ है। मुझे पता है, इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। पूजा बबलू से प्यार करती है, तो क्यों ना उसकी शादी बबलू से कर दो।
यस। गुड मॉर्निंग बाबूजी। इतनी सुबह सुबह यहाँ पर कैसे? ये क्या है? पूजा और मेरी शादी है ना, तो कार्ड का डिजाइन लेकर आया हूँ, कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए ना। इसी बारे में तुमसे बात करनी थी गजेंद्र। मैं चाहता हूँ कि मैं पूजा की शादी तुमसे न करकर बबलू के साथ। ओ! 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 अपनी जुबान से फैलने वाले का अंजाम यही होता है बाबूजी। अपनी बेटी के प्रेमी को भी तुमने ऐसे ही मारा था ना? अब तुझे भी ऐसे ही मरना पड़ेगा। मैंने आपसे एक दिन कहा था ना कि पूजा की शादी मेरे साथ करवा दो। हाँ कहा था ना, तो तब आप मान गए थे और अब बदल रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस पूरी की पूरी दौलत का वारिस कौन बनेगा? मैं बनूंगा। और अगर तुम मेरे बीच में आओगे तो तुम मारे जाओगे। बाबूजी, दरवाजा खोलो। बाबूजी बाबूजी दरवाजा खोलिए, एक और मार लेने दीजिए, फिर आप मर जाएंगे। बाबूजी बाबूजी बेटी, पूजा 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 पूजा। डैडी डैडी डैडी, क्या हुआ आपको? डैडी डैडी बोलिए ना, डैडी क्या हुआ आपको? डैडी पूजा बेटी, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुमने मुझे माफ कर दिया। बेटी अब मैं चैन से मर सकता हूँ। चलिए डैडी, हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं बेटी, जिस तलवार से लोग दूसरों को मारते हैं, वही तलवार उनकी भी जान लेती है। आज मैंने ये बात जान ली। नहीं डैडी। बेटा बेटा, तुम मेरे लिए कभी भी दुखी मत बनो, वरना वरना मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। हॉस्पिटल चलिए डैडी। बेटा 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 बेटा, इसमें हमारी प्रॉपर्टीज के सारी डिटेल्स हैं। इसका मैं क्या करूंगी डैडी? बेटी, मेरे पापों का प्रायश्चित यही होगा कि तुम इन पैसों का सही उपयोग करना। बेटी तुम यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ, नहीं तो ये तुम्हें भी मार देगा। बाबूजी भाग जाओ, बेटी बाबूजी भाग जाओ, भाग जाओ। मैं कहता हूँ दरवाजा खोल दो वरना तोड़ दूंगा। बाबूजी पूजा की तो पूजा कहाँ जा रही हो? पूजा, अरे हम शादी करने वाले हैं। पूजा रुक जाओ, रुक जाओ पूजा। भाई भाई क्या भाड़ में, कहाँ हो तुम लोग? भाई हम बबलू को फॉलो कर रहे हैं। बबलू को फॉलो मत करो, मार डालो उसे। ठीक है भाई। मेरी डार्लिंग यहाँ से भाग गई है, वो उसके घर में हो या कहीं भी, पकड़ कर ले आओ। ठीक है भाई। पूजा, हेलो, कौन बोल रहा है? हाय, मैं पूजा। हाय पूजा, मैं तुमसे अर्जेंटली मिलना चाहती हूँ, मेरी फ्रेंड रम्या के घर पे आ जाओ। ओके ओके, अभी आ रहा हूँ, अभी पहुँचता हूँ। हाँ भाई। अबे टकले, बबलू मेरी तरफ ही आ रहा है, उड़ा डाल उसे, बचने ना पाए। Oh.
अपने घर वालों से सारी बातें कर ली हैं। मैं भी प्रैक्टिकल खत्म होते ही पहुंच जाऊंगी। ओके, टेक केयर। साले सब के सब निकम्मे हैं। एक काम ढंग से नहीं कर सकते तुम लोग। पूजा को ढूंढने के लिए कहा तो सब के सब यहाँ खड़े होकर मेरा मुंह देख रहे हो। हीरो हांडा यहाँ पर है तो हीरो कहाँ है? मेरी हीरोइन कहाँ है? बबलू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ओके, हैप्पी जर्नी। सर, मैंने इस एरिया के सारे पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी कर ली है। इस एरिया में एक्सीडेंट की कोई कंप्लेन नहीं। यानी वो भी उसके साथ मिले हुए हैं? अरे वो बाद में देखेंगे, पहले लड़की को तो पकड़ो। टेक केयर। पूजा का नंबर ट्रेस करो। सर, ये रेलवे ट्रैक का सिग्नल है। हा? शायद वो किसी रेलवे स्टेशन में हो। शिट। ए, रेलवे स्टेशन से कौन कौन सी गाड़ी निकली और कहां कहां रुकेगी पता करके बताओ। हर एक स्टेशन को चेक करते हुए जाओ। सुबह तक वो मेरे सामने होनी चाहिए। चल जा। पूजा, भाई ने तुम्हें लेकर आने को कहा है। हाँ भाई, तुम लोग उधर जाओ। हाँ भाई। ओके भाई। और सुनो, तुम लोग उधर जाओ। जी भाई। सुनिए। बोलिए। यहाँ पे कोई लड़की भाग के आके छुपी है क्या? नहीं तो, वैसे भी कोई नया चेहरा हमारे गांव में आया तो सुबह तक सबको पता चल जाता है। भाई, चारों तरफ ढूंढा लेकिन लड़की का कहीं पता नहीं चला। ए, वो बंगले में हो सकती है, वहाँ जाके देखो। हेलो, वो बलराज सिंह का घर है। उस घर में 20 साल से किसी औरत ने कदम नहीं रखा है। अगर गलती से किसी औरत ने वहाँ कदम रखा तो वो उसे खुद भेज देंगे, इसलिए वो वहाँ नहीं हो सकती। जाओ, किसी दूसरी जगह जाकर ढूंढो। उसे ढूंढ रहे। मोबाइल सिग्नल नहीं मिल रहा भाई, उसे ढूंढू कैसे? इस घर में चली जाऊं तो शायद मैं सेफ रहूंगी। आज की ये रात कितनी सुहानी रात है। आज तो बहुत मजा आएगा। इस रात का मुझे कितने दिनों से इंतजार था। अरे ये तो क्या कर रही है, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। चल चला जा। उनके सामने एक्टिंग करने को कहा, मेरे सामने एक्टिंग करने को नहीं कहा। मेरे से तो सिर्फ प्यार कर। छी, अरे ये दाढ़ी तो निकाल दे। अरे ये बहुत ही खराब लग रही है, चुपती है। निकाल कब तक ऐसे चलेगा? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे करे तो क्या करे, हम पैसा कमाने के लिए हम लोग इस घर में आए। इन लोगों को घर में औरत ही नहीं चाहिए और घर में औरत आने भी नहीं देते, इसीलिए तुमसे शादी करके मुझे इस गांव में आना पड़ा और तुझे यहाँ नौकरी दिलाने के लिए तुम्हें गूंगा मर्द बनाना पड़ा। लगता है ये घर के मालिक को बेवकूफ बना रहा है। अब और देर नहीं करेंगे। चल जल्दी से आजा मेरी बाहों में।
अरे अभी तक तो तुझे कुछ किया ही नहीं, तो फिर तू क्यों चिल्ला रही है? क्या बिना किए भी कोई चिल्लाता है? मैंने नहीं चिल्लाया। तो फिर वहाँ देखो। कहाँ? कौन है ये? ये इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? ये क्या तुम्हारा सेकंड सेटअप है? अरे तुम्हारे होते हुए सेकंड सेटअप किस लिए? रुक मैं अभी पूछता हूँ। हे कौन है रे तू? क्या हुआ डार्लिंग? डार्लिंग क्यों इतना झूठ बोल रहे हो? तुमने ही तो कहा था। क्या कहा था? कि भैंस जैसी औरत घर में हो तो हिरनी जैसी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। घर में कोई नहीं है, आ जाओ, कहा था ना? मैं भैंसे जैसी? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बैठ के सॉल्व करना चाहिए, ऐसे नहीं। ए तू हाथ हटा। कौन है रे तू और यहाँ पर क्यों आई है तू, बता? ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, मैं इस घर में कुछ दिन रहना चाहती हूँ, तो रहने का इंतजाम करो। यहाँ से जाने से पहले तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। लेकिन तू है कौन, ये जाने बिना मैं कैसे? आई टोल्ड यू ना, नो डिटेल्स। अरे बाप रे, ये तो अंग्रेजी बोल रही है। ठीक है, बता मुझे क्या करना होगा। फिलहाल तो भूख लगी है, तो मुझे खा जाओ। मैं नॉनवेज नहीं खाती। बहुत ही अच्छा है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राम प्रसाद, और मैं एक बहुत ही ईमानदार आदमी हूँ। ये सब तुम्हें सूट नहीं करता। आहा, बहुत होशियार हो बचपन से। अरे बाप रे, बड़े साहब आ गए। ए, सुनो, बड़े साहब आ गए। तो मैं क्या करूं? अरे मेरी माँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। अरे सुनो मेरी बात, अरे तू समझा ले इसे। अरे कहा ना तुझे कि कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में बैठ के सुलझा लेंगे। अरे तू निकल यहाँ से। अरे जा जा जा, जा नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, बड़े साहब आ गए। आप तो कल आने के लिए बोले थे, आज ही आ गए। परेशान क्यों? इसलिए इसे तुझे बताना पड़ेगा, जाके खाना लगा। अच्छा ठीक है साहब, आइए आइए, खाना तैयार है, बैठिए। ये क्या है, सारे ढक्कन खुले हुए? साहब आप आ रहे हैं, यही सोचकर मैंने ढक्कन खोल दिया। तो ये घर के बड़े साहब हैं। तुझे कैसे पता? जब हमें नहीं पता कि हम यहाँ आने वाले, तो तुझे कैसे पता? तुझे कैसे पता? तो ये इस बड़े भाई का छोटा भाई है। अब क्या हुआ तुझे? अरे साहब, बिन लादेन मारा गया। उसका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? समुंदर में। बिन लादेन मारा गया, तुझे पता चला? ऐसा क्यों कह रहे भैया, इसका रिश्तेदार मर गया? और आप उसका की? रिश्तेदार लादेन नहीं, हाँ? मरा है ओसामा बिन लादेन, उसे मार के समुद्र में फेंक दिया, ठीक है ना? रो उसके लिए। सॉरी भैया, सॉरी, मुझे माफ। अरे ठीक है ठीक है, अपना मुंह बंद कर, मुंह बंद कर अपना। ये थोड़ा ओवर सेंसिटिव लगता है। पापड़ तो किसी ने खाया नहीं, फिर आवाज कैसे आई? नहीं साहब, टेस्ट करके देख रहा हूँ कि गरम है कि नहीं। गरम है साहब, गरम है। यार जब से आए हैं कैसी हरकतें कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या तू? क्यों रे सरदार? बेबे क्या बोल रहा है ये? बेबे ए चल खाना खा। बेबे बेबे ए इसे किसी डॉक्टर को दिखाओ। इसे डॉक्टर के पास ले जा। हाँ हाँ, घास फूस जैसा खाना खा खा करके बीमार पड़ गया हूँ मैं। ठीक तो था खाना। ए भगवान भला टली, ए तू बाहर निकल, ये कहाँ से आई? अच्छा मैनेज किया, खाना भी अच्छा था। अपना बेडरूम किधर है? अपना बेडरूम? बेडरूम ना, मैं बताती हूँ, तू ये सब साफ करके बड़े साहब का जाकर पैर दबा। तो चल। अरे बबलू, तुम कहाँ हो? मैं कहाँ हूँ? आप दो दिन से यहाँ बेहोशी की हालत में हो बाबूजी। अगर आपको होश आ गया तो आपकी जान बच जाएगी, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। भगवान आपका बहुत बहुत भला करे। साहब ये मेरा इकलौता बेटा है, आपने मेरे इस इकलौते बेटे की जान बचाई है। बेटा नमस्ते करो साहब। नहीं नहीं कोई बात नहीं, देखा जाए तो मुझे आपको शुक्रिया बोलना चाहिए। ऐसी बात नहीं है साहब, मुझे अभी जाना होगा, सब संभल के जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। पूजा इतनी खतरे में थी और मुझे बताया तक नहीं। खैर आपने उसे गाँव भेज कर अच्छा किया, थैंक यू। लेकिन पूजा मेरे गांव पहुंची ही नहीं है। क्या? फोन ट्राई किया पर नॉट रीचेबल बता रहा है। शिट। बबलू के घर पर भी कोई फोन नहीं उठा रहा।
राम प्रसाद। अरे बाप रे, ये यहाँ क्या कर रही है? लगता है पकड़ी गई। अरे साहब, इतनी जल्दी कैसे उठ गए? पानी चाहिए पानी क्या? के बच्चे, ये लड़की कौन है? कौन है ये लड़की? किधर है लड़की? कहीं नहीं दिख रही मुझे, दिखाई नहीं दे रही। समझता है? दिखाई दे गई। ए, कौन है तू? पुलिस को फोन लगाओ, वही पूछेगी इससे। ये भी कोई इंसानियत है? मेरे पीछे गुंडे पड़े तो मैं भाग के आई और यहाँ आकर छुप गई। चोरी करने नहीं आई जो आप मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं? अगर आपके घर की बेटी होती तो क्या आप ऐसे ही उसे भगा देते? सिर्फ बड़े घर में रहना काफी नहीं होता है, दिल भी बड़ा होना चाहिए। मैं यहाँ से जा रही हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। अरे रुको 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 साहब, लगता है ये लड़की सही कह रही है। अगर इस लड़की को कुछ हो गया ना तो आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इससे बोलो सुबह चलिए। हाँ। ए सरदार जी, लड़की को लेकर अंदर जाओ। चलो जान बच गई, अगर पता चलता कि दो दिन से लड़की यहाँ है तो मेरा ना जाने क्या होता। इसका मतलब ये लड़की दो दिन से यहीं है? नहीं साहब, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर वो दो दिन यहाँ रहेगी तो मेरा क्या होगा। इतना ही ना? हाँ इतना ही साहब, आप जाके सो जाइए। हाँ। जाइए जाइए साहब। गुड मॉर्निंग सर, रात को मैंने आपके साथ कुछ ज्यादा ही बुरा बर्ताव किया। आई एम सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। हेलो। अगर तुम चली गई तो मेरा प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? ओए। अरे जाके उसे सब कुछ सच सच बता दो ना। कहाँ है तुम्हारी बीवी? सच सच बता दोगी ना? वो देखो वहाँ है। ए आ इधर। अरे आना। जो मैंने तुम्हारे कान में कहा वो अपनी बीवी को मत बताना। ओके, नहीं बताऊंगा। उसने कान में क्या कहा? उसने मुझे तुमसे बताने के लिए मना किया है। मुझे नहीं बताने के लिए बोला? हाँ, नहीं बताने के लिए बोला उसने। लेकिन तू ऐसे क्यों देख रही है? तेरी तो? देख, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम बैठ के सॉल्व कर सकते हैं ना। देखो ये अच्छी बात नहीं है, कोई अपने पति का कॉलर इस तरह से नहीं पकड़ता, समझ गया? ए, इसे कहीं देखा है? नहीं देखा साहब। ए, वो रही पूजा। अरे पकड़ो से, वो जाने ना पाए। जी भाई। जी। हम सबको मार के पूजा को वो अपने साथ ले गया। निकम्मे। थैंक गॉड, आखिर हम दोनों बड़ी मुसीबत से बच निकले, है ना? अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर अब हम जाएंगे कहाँ? अरे रे 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 रे, अब तेरी लवर पूजा को तेरे घर में रहने का उपाय बताऊं मैं? हम सब लोग मिलके तुम्हारे भाइयों की शादी कराएंगे, ये कभी भी नहीं हो सकता। मामा ऐसा क्यों बोल रहे हैं?
उस दिन तो आगे बढ़ के सपोर्ट करूंगा ये कह रहे थे। अरे पीने के बाद लाखों बातें होती है पर कभी पूरी नहीं होती। झक मारकर तेरे घर तेरे भाई की शादी करवाने के लिए मैं अपने दिल पर पत्थर रख करके गया था भैया, और दुल्हन को भी लेके गया था, तो तेरे भाई ने मेरे को क्या जवाब दिया? अकल नहीं है तुझे? ये क्या बात हुई साहब, शादी की बात तो इन्होंने की तो फिर आप मुझे क्यों मार रहे हो? वो उम्र में बड़ा है ना, तो इसलिए तेरी आरती उतार रहा हूँ। जब से हुआ तब से तुम्हारे घर पे आना जाना मैंने छोड़ दिया। आ बेटा, कैसा लगा हमारा घर? ब्यूटीफुल हाउस अंकल, वेरी नाइस। ये फोटो यहाँ पर कहाँ से आई? इसी महाशय के बारे में तो हम लोग अब तक यहाँ डिस्कस कर रहे थे। एक मिनट मामा, ये फोटो में जो है उसे जानती हो? दो दिन पहले मैं इनके ही घर पे तो थी। दो दिन पहले तुम मेरे घर पे ही थी। मामा वो तुम्हारा घर है? हाँ बेटा, वही बबलू के भाई है। व्हाट अ डेस्टिनी। मामा पूजा को घर में कैसे ले जाना है, इसका आइडिया मिल गया। भैया, अरे बबलू आया है। भैया बबलू, अरे बबलू, ये क्या हुआ? अरे ये चोट कैसे लगी? किसने मारा तुझे? अरे किसी की हिम्मत जो मेरे भाई पर हाथ उठाए। भैया सुनिए भैया, मुझे कुछ नहीं हुआ, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। कैसा एक्सीडेंट? दरअसल गलती मेरी थी, उसकी नहीं थी। ए बबलू दिखा, तुझे ज्यादा तो नहीं लगी ना? दिखा, जाने दे, आगे से अपना ध्यान रखना। ठीक है भैया, जा जाके आराम कर। जाके आराम कर बबलू, तू अपने कमरे में जा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। नमस्ते बलराज जी। हाँ क्या रे, तू इसे जानता है क्या? वो इसने कंप्लेन दी है कि इसकी रिंग खो गई है। वैसे जनरल इंक्वायरी है ये। राम प्रसाद जी साहब, घर के सारे गहने लाकर इंस्पेक्टर को दिखाओ। अभी लाता हूँ साहब। हेलो मिस्टर, गोल्डन रिंग नहीं गुम हुई है, तांबे की रिंग गुम हुई है। तांबे की रिंग? बोल तो ऐसे रही जैसे डायमंड की रिंग गायब हो गई। और क्या, वो मेरे लिए डायमंड रिंग से कम थोड़ी थी। मेरी उंगली में रहती थी तो मुझे मेरी माँ के साथ रहने का एहसास होता था। ठीक है, रिंग मिलते ही तुम्हें भिजवा देंगे। अब जाओ यहाँ से। हाँ, मेरी अंगूठी मिलने तक मैं यहाँ रह सकती हूँ, आपने कहा था ना। बलराज जी, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी मेहरबानी से हूँ। ये पढ़ी लिखी लड़की है, मीडिया तक बात पहुँची तो एक छोटी सी रिंग के लिए आपकी बेइज्जती होगी, इसलिए। कमोन भैया। राम प्रसाद, लड़की को अंदर ले जाओ। हाँ चलो। यस। एक बात बताओ, रिंग सचमुच में गुम हुई है या तुम झूठ बोल रही हो? मेरी रिंग भी गुम नहीं हुई है। क्या कहा? अभी साहब को बताता हूँ, अभी बताता हूँ। हेलो, तेरी बीवी से कहूँ डिवोर्स देने को? अरे तुम मजाक भी नहीं समझती, हम तो एक ही ग्रुप के हैं ना। रुको, पकड़ो। इतना रिस्क लेके आया फिर भी एक भी बार थैंक यू नहीं बोला। एक नजर देखा भी नहीं, सारी मेहनत बेकार गई। एक बार पलट के तो देख, एक बार पलट के देख जाने वाला। क्या देख रहे हैं छोटे मालिक? अपने घर की छोटी बहू देख रहा हूँ। यानी इसे पटाने के लिए आप घर पर लाए? यार सो ब्रिलियंट। ये नहीं हो सकता है, मैं अभी जाकर बड़े साहब को बताता हूँ। राम प्रसाद, जिस घर में औरत हो उसी घर में लक्ष्मी रहती है, मामा ने भी कहा था। अपने भी घर में लक्ष्मी का बसेरा हो, बस यही एक आइडिया। आप चाहे जितने भी प्लान कर लें, अगर ये लड़की यहाँ पे रही ना तो ये मेरा डाइवोर्स करा के ही रहेगी। वो आ सकती है, ये नहीं, वो लीगल है, मेरी पत्नी, मेरी धर्म पत्नी। अगर सच जानकर भी बड़े साहब ने मुझे यहाँ से निकाल दिया ना तो भी ये लड़की यहाँ पे नहीं रह सकती है। ये मेरा फाइनल डिसीजन है, फाइनल डिसीजन। सुनिए, ये लेके जाइए। बदबू आ रही है क्या? पहले इनका कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हाँ, जैसे ही बड़े साहब घर में आएंगे मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। क्या मैडम, इतनी गहराई से क्या सोच रही हो? यही सोच रही हो कि परमानेंटली यहाँ कैसे रहूं? नहीं राम प्रसाद, एक्चुअली इसे कैसे पीऊं ये समझ नहीं आ रहा है। शहर में तो स्ट्रॉ रहता है ना, यहाँ गांव में स्ट्रॉ भी नहीं है। बस इसके लिए इतना सोच रही हो? एक भी बूंद नीचे गिराए बिना मैं देखो कैसे पीता हूँ। इसे ऐसे पकड़ो और उसके बाद इसे फेंक देते हैं। थैंक यू। क्या हुआ?
कुछ गुड़गुड़ आवाज सुनाई दे रही है क्या तुम्हें? नहीं तो। अरे आवाज मेरे अंदर से आ रही तो तुम्हें कैसे सुनाई देगी? मोशन पेशेंट कहाँ है? डॉक्टर, डॉक्टर, अरे मोशन मेरे अंदर हो रही है लेकिन आपको कैसे पता चला? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक पेशेंट ऐसे सवाल करे तो ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। मैं चलता हूँ। नहीं 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 डॉक्टर साहब, सुनो टकले, बोला था ना फोन करूंगा तब ना, अभी क्यों? कितने दिनों से प्रैक्टिस नहीं की थी, लेट होगा तो एक पेशेंट हाथ से निकल जाएगा, इसलिए जल्दी आ गया। रामप्रसाद के नारियल पानी में मोशन की टैबलेट मिलाने को क्यों कहा? प्लान क्या है तुम्हारा? बस हम दोनों की शादी हो जाए और तुम्हें परमानेंटली इस घर में बहू बना के लाने का प्लान है। हेलो, सारे प्लान्स मन में ही सोचोगे? नहीं, मन में कुछ नहीं सोच रहा। तुम इस घर में अकेली रहती हो ना, इसलिए तुम्हें कंपनी देने के लिए एक फ्रेंड ला रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। डॉक्टर, अरे प्रॉब्लम कहीं और है और आप चेक कहीं और कर रहे हो। डॉक्टर साहब, क्या हुआ इसे? मोशन, आपको भी मोशन? मुश्किल है, ऐसा है तो मैं चलता हूँ। चलो इसको दवा दो। मोशन के साथ कालरा है और साथ में गनेरिया, मलेरिया, ल्यूकेमिया और स्वाइन फ्लू, ऐसी कई बीमारी एक साथ हो गई है, इनका बचना मुश्किल है। मैं नहीं मानता, डॉक्टर से कोऑपरेट ना करने वाले पेशेंट की ट्रीटमेंट करना मुश्किल है। मैं चलता हूँ। डॉक्टर रुकिए, वो पागल है ना। सिंगल पेमेंट में ओवर एक्टिंग मत कर, ज्यादा हो रहा है, थोड़ा कम कर, समझा क्या? ठीक है, समझ गया। ठीक है, एनी डाउट्स? ये रामप्रसाद कब तक ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब? साथ में रह के कोई केयर करने वाला हो तो 10 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ए, रामप्रसाद की 10 दिन तक अच्छी तरह देखभाल करनी है। आप टेंशन बिल्कुल ना ले, मैंने इंतजाम कर दिया है। ए, ए, नर्स? हमारे घर में लेडी नर्स? नहीं नहीं, जेंट्स नर्स नहीं होता है ना, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अरे घर में लेडीज है ना, दोनों साथ में रहेंगे, वरना इसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, अच्छे से देखभाल हुई तो ठीक है, वरना वहीं पर मर जाएगा। ए शिवा। हाँ भैया। राम प्रसाद को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरह समझा दो इसे। ये टेबलेट दे देना, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा क्या डॉक्टर? हाँ। एक मिनट। यस प्लीज। देखिए रामप्रसाद जी, हमारे बीच की सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब से आपका किचन में जाना मना है, समझ गए ना? सर सर सर, बबलू का एक्सीडेंट हो गया सर। हाँ सर। नमस्कार मास्टर जी। बबलू से बहुत प्यार करते हो ना? उस दिन तो कहा था कि बबलू को जानते तक नहीं, कोई मार दूंगा भेजे में। बबलू यहाँ नहीं है। पता है कि वो यहाँ पर नहीं है, उसका परमानेंट एड्रेस चाहिए। बोलो। जिंदगी में पहली बार गन इतने नजदीक से देख रहा हूँ। तो ए, ले जाओ इसे। आप भी अंदर आओ ना। ए, चल तो जा, छोड़ यार। अरे बबलू। गुड मॉर्निंग सर। फॉर्मेलिटीज बाद में करना, पहले जो बोलता हूँ वो ध्यान से सुन। क्या हुआ सर? वो गुंडा यहाँ पे आया है, मेरे सर पे गन रख के तेरा एड्रेस मांग रहा है। हद हो गई, वो कुछ ज्यादा ही कर रहा है, उसे समझाना पड़ेगा। सर, मैं आपके मोबाइल पर एक एड्रेस SMS करता हूँ, आप उसे दे देना। ठीक है ठीक है। ए, चलो मैं। ए, तुम लोग कौन हो? साले ने अपने लिए पूरी की पूरी सिक्योरिटी लगा रखी है। ए बबलो, बाहर निकल, बाहर आओ। कौन है आप लोग? तू कौन है? छोड़ दो। कौन है रे तू? ए बबलो, नाटक कर रही है। मैं नाटक कर रही हूँ, कौन है वे तू? अच्छा, मैं कौन हूँ? बताता हूँ तुझे, मैं कौन हूँ। मैंने कहा छोड़। बुढ़िया पोते को छुपा कर रख दिया। ए ले जाओ इसे, पूछो इसे। डैडी। ए पछताओ। तेरी इतनी हिम्मत, तू SI के घर में आके दादागिरी करता है? समझता क्या अपने आप को? ये SI का घर है? यकीन नहीं होता, एनकाउंटर करके दिखाऊं क्या? ओहो, क्या बताऊं सर, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। सर सर, मेरी बात सर। ए बबलो। अच्छा अच्छा, वो तू है। पूजा के मुंह से सुना तब लगा बड़ा खतरनाक होगा, तू तो चिरकुट निकला रे। ए, सिर्फ एक सेकंड तेरे बारे में सोचा और तेरा ये हाल हो गया है। ओहो, एक सेकंड तेरी ए, तो रुक। इस बेवकूफी के चक्कर में तो पकड़ा गया है। अरे सुन बेटा, इस कमीने को मत छोड़ना। देख तेरा बाप आ रहा है, पुलिस स्टेशन में तेरे को मस्त धोएगा। बाय। ए, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने सब कुछ पता कर लिया है ना? जी भैया, मैंने सब कुछ पता कर लिया। मेरी रिंग कहाँ गई? यही क्या तो हो रहा है? इस लड़की की वो अंगूठी गुम गई थी, उसे ढूंढ रहे हैं। जब से आई है तब से इसकी रिंग सभी ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को नहीं मिली। चलता हूँ मालिक।
कल क्या लेके आऊँ साहब? कुछ भी ला पर मसाला कम डालना। और मेरे लिए जरा भिंडी की सब्जी बनाना, तीखा, ठीक है? जी जवाब। जी मालिक। सुनो शिवा, तुझे जो भी खाने का मन करे उससे बोल दिया कर। बबलू, इस घर में मुझे और नर्स को खाना बनाना नहीं आता है। हाँ, वो तो है। इस गांव में एक औरत है जो बहुत अच्छा खाना बनाती है। अच्छा, ये बात है। अगर तुम परमिशन दो तो मैं। हेलो, परमिशन नहीं मिलने वाला है। कोई भी हो, अब कोई लेडी घर में नहीं आएगी। भैया, खाना बनाने के लिए बगल के गांव से एक बावर्ची बुलाया है, एक दो दिन में आ जाएगा, तब तक यही खाना खा लो, ठीक है भैया? मेरा प्लान रिवर्स हो गया। बड़े भैया। शास्त्री अका। हाँ, नमस्कार नमस्कार। मैंने बोला था ना कि एक बावर्ची आने वाला है, ये वही है। अरे, ये तो पंजाबी है, इसको खाना बनाना आता है? अरे सर जी, क्या बात कर रहे हो तुसी? ओए, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, फ्राइड राइस, एग रोल, ये सब चीज बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है जी। और जी, 7 साल तक ढाबे में मैंने काम किया है जी। ओ, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। अरे राम प्रसाद जी, साहब इनको अंदर ले जाओ। पंजाब दे पुत्र, इसी के जरिए मैं अपने पति को सबक सिखाऊंगी। ओए साडा आदमी इधर भी है, ओए चल हट। ओए पुत्र चल गले मिल जा। ओए पुत्र, तेरा नाम क्या है? क्या ये अब यहीं पे रहेगा? उसे पता कैसे चला कि औरत है? ए, उसे पता नहीं चला, वो तो पंजाबी है, इसलिए उसे गले लगा रहा है। ओए बुढ़िया, तेरा नाम क्या है? ओए पीछे हट, ये गुंगा है, बोल नहीं सकता। ओए गुंगा है, बोल नहीं सकता तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? पंजाब से पराठा बनाने बुलाया था, और जाना है? क्या पराठा? वो तो चल मेरे साथ, आज तुझे दाल मखानी सरसों का साग सब बनाना सिखाऊंगा। ओए सरदारी, अरे उसे कहाँ लेकर जा रहे हो? भाई ने तो लोचा ही कर दिया। इस सिंह के आने से पूरा प्लान ही चौपट हो गया। Hey, no problem यार। हम लोग जा कहाँ रहे हैं? तुम्हें सोशल वर्क पसंद है ना? Just wait and see. ये सब तुम्हारे पिताजी की दादागिरी के कारण बर्बाद हुए हैं। विठल, ये तुम्हारी बहन के प्रेमी के माता पिता हैं। सॉरी आंटी। अपने पिता के पैसों से तुम कुछ अच्छा काम करना चाहती थी, तो इंतजार किस बात का है? इन लोगों से ही शुरुआत करो। ऐसा कहते हैं कि माँ बाप के किए पाप बच्चों को भुगतने पड़ते हैं, पर ऐसा कोई पाप ना हो जो तुम्हें भुगतना पड़े, इसलिए ये कर रहा हूं। पूजा, ये सब कौन है पता है? नमस्ते मैडम। हेलो मैडम। ओह गॉड, व्हाट अ सरप्राइज। तुम लोग बातें करो, मैं भी आता हूँ। आई अंकल, तुम लोग यहाँ आए कैसे? अरे अब तो बर्दाश्त ही नहीं होता। ओए भाई साहब, आप कैसे हो? ओए मुझसे पहले आप भी खाना बनाते थे ना? ओए आपके पेट को क्या हो गया? अरे प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम पीछे। पेट खराब हो गया आपका? हाँ। ओए कोई गल नहीं, इसका इलाज है मेरे पास। चल नीचे झुक जा। नीचे झुक जाओ। ओए मैं हूँ ना, झुकाओ इसको नीचे। जुको, अच्छा, जुको। हूं। अब देखो ये रुक जाएगा। अरे ये क्या कर रहे हो, ये लाल कपड़ा क्यों हिला रहे हो? इसे देख कर तो चंडीगढ़ एक्सप्रेस रुक जाती है। ओए तेरा मोशन में रुकेगा। अरे स्पीड ज्यादा हो गई है। ओए हमारा काम था, कोशिश करना हमने किया। चल मुंडिया खाना खाएंगे। रुको 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 रुको, तू इसे लेकर बार बार क्यों जाता है? तू है कौन? जलन हो रही है। और ठीक है, मैं अकेले ही जाता हूं। तू इसके साथ बार बार क्यों घूमती है? तू जो उसके साथ घूमता फिरता उसका क्या? अरे मैंने कहा ना, मेरा उसका कोई संबंध नहीं। अगर कोई हम लोग के बीच प्रॉब्लम है तो हम बैठ के सुलझा सकते हैं, झगड़ा करके नहीं। आज तुम देख लेना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। आई माँ, ये आवाज कहाँ से आई? मेरे अंदर से। चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रैक क्रॉस कर गया। बेचारा राम प्रसाद, उसे देख कर बुरा लग रहा है, 2 दिन की छुट्टी दे दो। भाइयों की शादी होने तक यहाँ नो सेंटिमेंट्स, नो कॉम्प्रोमाइज। यानी इतने दिनों तक मुझे मोशन रुकने की नहीं बढ़ाने की दवा दे रहे थे। आप किस बारे में बात कर रहे हैं रामप्रसाद जी? अभिषेक बच्चन एक्टिंग करता है क्योंकि वो अमिताभ बच्चन का बेटा है। सनी बॉबी एक्टिंग करते हैं क्योंकि हिमेंद्र धर्मेंद्र के बेटे हैं। संजय दत्त एक्टिंग करता है क्योंकि वो सुनील दत्त का बेटा है। ऋषि कपूर एक्टिंग करता है क्योंकि वो राज कपूर का बेटा है। रणवीर कपूर एक्टिंग करता है क्योंकि वो ऋषि कपूर का बेटा है। पर आपके बाप तो एक्टर नहीं थे, फिर आप क्यों एक्टिंग कर रहे थे बेटे? आप मुझे गलत समझ रहे हैं राम प्रसाद जी। सब के पीछे आपका ही मास्टरमाइंड है। राम प्रसाद जी, मुझे सब समझ में आ गया। अगर इनकी शादी होगी तो इस घर में रौनक आ जाएगी, सही कहा ना? हाँ। छोटे साहब, आज से मैं भी आपकी पार्टी में। सुनिए, मैं काम करता हूँ, जब तक प्लान सक्सेस नहीं हो जाता तब तक मैं लूज मोशन का नाटक करता ही रहूंगा और किचन की तरफ देखूंगा भी नहीं। आज से लूज मोशन बंद। थैंक यू छोटे मालिक, थैंक यू। आप इतने अच्छे आइडिया प्लान करते हो, तो एक अच्छा आइडिया मुझे भी दो ना। क्या आइडिया? वो सिंह है ना, वो मेरी बीवी से चिपकता रहता है, हमेशा उसके साथ ही घूमता है।
उसको मेरी बीवी से दूर करने का आइडिया दो। आपकी बीवी के साथ कोई रात दिन चिपक रहा है और उसके साथ ही रहता है और आप चुपचाप देख रहे हैं। मतलब भाइयों को घर में आने में एक घंटा बाकी है तो जाओ टूट पड़ो। अरे सिंहासु गया, मैं आ रहा हूँ। एकदम बढ़िया है, और जैसे खाएगा एकदम मजा आएगा। इंसान पे हाथ डाले या चिपके बिना खाना नहीं बना सकता है। ओए मर्द के कंधे पे हाथ रखा तो क्या हुआ भाई? इसमें गलत क्या है? ये हद से ज्यादा हो रहा है, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने तुमसे प्यार करके तुमसे शादी की और तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं भी अगर तुम्हें यही बोलूं तो तुम्हारा उसके साथ? मैंने कितनी बार कहा कि मेरा उसका कोई संबंध नहीं, तू समझती क्यों नहीं? हाथ उठाता है अब मैं नहीं। अरे अपने पति पे हाथ उठा दिया, तुझे शर्त नहीं आती? अरे 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 क्या, अरे बचाओ, अरे 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 क्या कर दिया। और ये मर्द भी नहीं है बहन जी, अब मुझे माफ कर दो, अगर मैंने आपका दिल दुखाया तो आई एम सॉरी, आप गले मिल जाओ। क्या हुआ सिंह, तुम अचानक गांव क्यों जा रहे हो? वो अचानक ही बुलावा आ गया है, लेकिन आप लोग टेंशन मत लो, वो मैंने खाना बनाने वाली का इंतजाम कर लिया है। इस घर में एक और औरत आने वाली है? कभी नहीं। अरे सुनिए बड़े साहब, गांव में शादी का सीजन चल रहा है, खाना बनाने वाला मिलना बहुत मुश्किल है, और मेरे पेट की हालत क्या है ये आपको पता है। बड़े साहब ये सरदार जी भी जा रहे हैं, इसलिए इस पर मान जाइए। ठीक है बुला। आओ चंदा आओ। ओ, ये अपने बड़े साहब जी। ओ जी थोड़ी शर्मिली है जी। नमस्ते बड़े साहब। हाँ, नमस्ते नमस्ते। ये जो है घर के सबसे छोटे साहब। छोटे साहब। नमस्ते छोटे साहब। ये खाना बनाने वाला कुक है। जी। नमस्ते। वो मंजले पाई है। नमस्ते जी। आँख मार रही है, नहीं मार सकती। ए वकील, बेल हुई कि नहीं? क्यों वहाँ जाके उनसे पंगा किया? इस बार बेल मिलना थोड़ा मुश्किल लगता है। ए वकील, तूने जितनी भी पढ़ाई की है फिर से कर, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकाल। वही तो कर रहा हूँ। So carry on, good boy, जाओ। ए इधर, तुरंत जाकर हर इलाके को छान मारो, करेक्ट एड्रेस चाहिए वरना आंखें निकाल दूंगा तुम्हारी। पता है कुक के आते ही सब भाई लाइन पर आ गए, लेकिन वो लोग भाभी पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इस बात पर मैं भी तुम्हारी तरह डेस्टिनी पे बिलीव करता हूँ। देखते हैं आगे क्या क्या होता है, चलो। हेलो, नर्स है वहाँ पर? हाँ है। मैं गांव से उसके फ्रेंड बोल रही हूँ, मुझे अर्जेंट बात करनी है उससे। हाँ हाँ रुको बुलाता हूँ। हाँ एक मिनट नर्स जी। बड़ा बड़ा भूत है ये, तू कहाँ से आया है, क्यों आया है, कौन है तू, क्यों आया है यहाँ पर, पता क्यों आया है? नहीं बताया तो बोतल में बंद करके समुंदर में फेंक दूंगा, चल निकल निकल। ए शैतान के बच्चे, तूने इनको जन्म दिया है, तूने इनको दूध पिलाकर बड़ा किया, अब तू ही इनको बड़ा कर रहा है। कितनी बात करता है तू, अब तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, जाओ जाओ यहाँ से जाओ। ए, कितनी बात करता है तू, ऐसे भूत भागेगा क्या? मूर्ख बालक, मैं अपने मंत्रों की शक्ति से इसे यहाँ से भगा दूंगा, तू चुपचाप देखता रह। तो ये बाहर का भूत नहीं है। क्या हुआ है इसको? इसने औरत का वो रूप देख लिया है जो पहले कभी नहीं देखा था। पहले कभी नहीं देखा मतलब? तो चुप ही रह। पर उसका कोई उपाय तो होगा। इसने जो रूप देखा है वो अगर दोबारा देख ले तो ये ठीक हो सकता है। परेशान मत होइए, मैं उपाय करता हूँ। इस भभूत को पानी में मिला कर, पानी में मिला तुम चुप रहो, इनको दिन में 3 बार पानी के साथ पिलाओ, तब ठीक हो जाएगा। जनेजा खुलजा 6, जनेजा खुलजा 7। ये डालो तो मैंने किसी फिल्म में सुना था। इसके पास कोई काम नहीं है क्या? इसका केबल कनेक्शन काट दो। ये लो, जो बोला है वो कर। एक बात बताओ, आज साइंस इतनी तरक्की कर गई है और तुम तंत्र मंत्र और इन बाबाओं पर विश्वास करते हो? तुम्हें ये ब्लाइंड बिलीव लगता होगा, वो हम भाइयों का एक दूसरे के लिए गहरा प्यार है। वो भगवान को मानते हैं और हम तहे दिल से उन्हीं को मानते हैं। उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को छोड़ भी सकते हैं। सच में
सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अनजाने में। अब तक आप 20 बार सॉरी बोल चुके हैं पर आपने मुझे माफ नहीं किया। आप मेरा एक काम करेंगे? बोलिए ना। प्लीज आप मेरे सामने मत आइए। ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? आप सामने आते हैं तो मुझे अजीब सा लगता है। अजीब सा यानी कैसा? हे भगवान, देखिए देखिए, मैंने फिर गुस्सा दिला दिया। सॉरी सॉरी। इन दोनों की केमिस्ट्री तो एकदम मस्त काम कर रही है। पर मेरा कोई फिजिक्स काम नहीं कर रहा। क्यों, क्या हुआ? पहले दिन ही आंख मार के ओपनिंग कर लिया था ना। क्या फायदा, उसके बाद मैंने इतना छेड़ा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, ओल्ड बल्ब की तरह। भाभी जी, बल्ब जलाने का आपका अपना टैलेंट खाने में दिखाइए ना। बाबा, भैया को पता चला तो? मैं हूँ ना भाभी। तो फिर आज खाना लक लक लगा। सींग बैगन, सींग आलू, सींग दाल, सींग का मसाला। ये क्या है, हर भाजी में सींग? हमारे घर में क्या खाते हैं बताया नहीं क्या? आपके मंझले भाई ने ही बनाने को कहा था मुझे। नहीं, मैंने कुछ नहीं। डरते क्यों है जी आप? आप ही ने तो कहा था मुझसे कि अपनी मर्जी से जो चाहे बनाओ, लेकिन सिंग डालना मत भूलना। देखिए भैया, हम लोग एक काम करते कि आज सिंग ही खा लेते। अच्छा सुनो, इस बार मैं दही के साथ खाना खा लेता। ठीक है भैया, अगली बार से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भैया। ठीक है, मुझे काम से दूसरे गाँव जाना है, मेरा बैग लेकर आओ। सुनो, बैग लेकर आओ, जरा राइस देना। क्या रे, क्या हुआ? हेलो बॉस, कल से मैं तुम्हारे लिए ऐसे सब्जी बनाऊंगी, खाए बगैर मुझे घर से निकालने की कोशिश भी की ना तो तुम पर अटेम्प्ट टू रेप का केस कर दूंगी। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने भाइयों को धोखा दे रहा हूँ। अरे तू कहाँ उन्हें धोखा दे रहा है? मेरे बड़े भैया ने दही के साथ खाना खाया, ये सब छोटी मोटी बातें सोचता रहेगा तो वो लोग हमेशा नमक मिर्ची खाते रहेंगे। लड़कियाँ कब देखेंगे, कब घोड़ी चढ़ेंगे और कब शादी करेंगे, बताना भाई। टीवी बंद क्यों किया? अरे छोटे साहब, मेरे दिमाग में लव मैटर का एक सुपर आइडिया आया है। बता आइडिया क्या है? कैसी बात करते हैं, आप फिल्म देखने के बाद भी कुछ नहीं समझे? एक लोटे में आप तेल लो, उसे आप जमीन पे गिरा दो। अच्छा, और उसके बाद टाइटैनिक के हीरो की तरह हाथ फैला के खड़े हो जाओ, बिल्कुल इसी तरह। इसके बाद मैं पूजा मैडम को भेजूंगा, पूजा मैडम आएंगी, तेल पे पैर रखेंगी, उसके बाद आप उसकी बाहों में, वो आपकी बाहों में, फिर आप दोनों के दिल मिल जाएंगे। मिल जाएंगे, बिल्कुल काम करेगा ना। अरे आप तैयार रहिए, मैं पूजा मैडम को भेजता हूँ, लगता है मुझ पे भरोसा नहीं। बबलू, तुमने मुझे बुलाया क्या? निशाना चूक कैसे गया? अरे राम प्रसाद, ये सब मेरे लिए प्लान किया था? वो मैं जानता नहीं, वो एक्चुअली मैं तो बस यहाँ पे। नो 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 नो, मर गया। अरे 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 उठ, अरे मर्डर करेगी क्या? अरे अरे तेरे भार से ये मर जाएंगे, अरे बिल्कुल सैंडविच बन जाएंगे। छोटे मालिक उठिए, उठिए मालिक, उठिए। 108 पे फोन करो। तुम्हें तो प्लान करना ही नहीं आता, मेरी कमर तोड़ डाली। अरे एक के बाद एक सवार है, क्या हो रहा है? दिस इज टू मच, यू ब्लडी डियर डेविल, व्हाई यू आर इनकमिंग? Why don't you outgoing? बंद कर अपनी मोबाइल लैंग्वेज, वो मोबाइल है या भूत है? मुझे एक बात बता, वो भूत उन्हें क्यों पकड़ रहा, मुझे क्यों नहीं पकड़ रहा? भूत को भूत नहीं पकड़ते। तुमको बोल रहा है? अरे रे रे रे, दूर रख इसे, अब बता क्या करना है। उस दिन देखने के बाद सब कुछ हुआ था, लेकिन आज ये नहीं देख पा रहा है, इसलिए ये सब हो रहा है। मतलब राम प्रसाद जी, क्या है ये? छोटे मालिक, आपने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जो प्लान किया था वो प्लान आपके काम नहीं आया, लेकिन इनका काम हो गया। हाय पूजा, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ओह थैंक यू, विश यू द सेम। मेरा काम हो गया, अब आप आइए। ऐसे क्या देख रही है? मैं कल बबलू को प्रपोज करने वाली हूँ। मतलब बबलू तुझे पसंद है? Excuse me. भगवान,
मैंने कहा था ना मेरे सामने मत आइए। दरअसल वो कल लवर्स डे है ना, सारे लवर्स रात को मिलते हैं, तो क्या हम भी कल रात को? लेकिन हम लवर्स नहीं हैं। तो फिर उस दिन मुझे देखकर स्माइल क्यों किया था? स्माइल किया तो क्या, जहाँ बुलाओगे वहाँ आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी। सॉरी, फिर मैंने आपका दिल दुखाया, सॉरी सॉरी सॉरी। मुझे गुस्सा नहीं आया, प्लीज आप जाइए। ठीक है, जाता हूँ, पर सॉरी। हाँ जाइए। हाँ सॉरी। अरे बॉस, पप्पी लेकर चुपचाप गलती मार रहा है क्या? अरे मैंने कब पप्पी ली है? अबे तेरी तो, अब दे। मैं नहीं दूंगा। ठीक है, मेरी बात सुन, रात को 12 बजे घर के पिछवाड़े मिलना, तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। रात को 12 बजे? नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा, तू कुछ करेगी? बड़े भैया बोलेंगे तो भी नहीं आओगे? वो क्यों बोलेंगे? वो आ गए। बड़े भैया क्यों रे, इसे परेशान क्यों कर रहे हैं? मुझे रात को घर के बाहर है ना बड़े मालिक, वो नारियल की चटनी बनानी थी तो नारियल तोड़ने के लिए बुलाया था, तो ये बोलते हैं चटनी क्यों बनानी है। क्या रे, ये क्या सुन रहा हूँ? हमेशा तेरी कंप्लेंट आती रहती है, अब सुन, जैसा ये लड़की बोलती है वैसा कर, दोबारा कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, समझा? वरना याद रखना। हे भगवान, बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ मैं, जाऊँ तो प्रॉब्लम, ना जाऊँ तो प्रॉब्लम। बोला था मेन डोर खोल करके रखूंगी मैं, कहीं चोर घुस गया तो। अरे बाप रे, हॉल ऐसा है तो अलमारी कैसी होगी? अब इतना सारा माल समेटना है तो ताकत की जरूरत होगी। ताकत के लिए दवा ले लेता हूँ। पानी। ये चुड़ैल रात होते ही सीटी बजाएगी तो मैं क्या? ये रामप्रसाद का बोतल है, थोड़ी सी मैं मार लेता हूँ, इससे सुना है कि हिम्मत आ जाती है, मुझे इसकी जरूरत भी है, ट्राई करता हूँ। कड़वी है लेकिन फायदेमंद है। दरवाजा बंद कर देता हूँ, चोर नहीं घुस पाएगा। क्या बड़े साहब, मेरी दवा पीनी थी आपको? मेरा ब्रांड तो छोड़ देते, आपका ब्रांड तो अलग होना चाहिए, आप बड़े आदमी हो। अच्छी अच्छी, आत्मा भी कभी शराब पीती है क्या? मैं भी पागल हूँ, कुछ भी सोचता हूँ। अरे रे रे रे, चखने के बिना शराब। भाई लोग भी बिगड़ गए हैं, फिलहाल तो मुझे इसकी सख्त जरूरत है। अरे यार देसी है। पूजा, आ गया तेरा राजा। ये क्या, वो अभी तक नहीं आए? हाँ लगता है किचन में सो गए होंगे, मैं जाके उठाती हूँ। क्या साहब, बड़े लोग एकाध पैक मारे तो समझ में आता है, पर आप लोग तो पूरी क्वार्टर कटक गए, आप लोग को ये शोभा देता है क्या? अरे ये बाहर से कड़ी किसने मत कर दी? अच्छा तो तू है, तू जा जा जा, मैं अभी आता हूँ, जा। हे प्रभु, इस घर की सारी आत्माएं मेरा कुछ न कर पाए, ऐसी मुझ पर दया करो। ये हे प्रभु, यहाँ की सारी आत्माओं को अपने वश में कर लो और मुझे बचा लो प्रभु। हे भगवान, इस घर से कैसे बाहर निकलू? कौन हो भाई? हे भगवान, कितने तरह की आत्माएं घूम रही हैं, बाप रे। ये किसकी आवाज आई, कहीं ये चोर तो नहीं है? दिशु, दिशु। हे भगवान, अरे भैया,
भैया भैया हे प्रभु चलिए भैया क्या हो गया अरे बाप रे मैं पानी लेके आता हूँ भैया ये कहाँ चले गए हे भगवान हे भगवान इस घर में चोरी करने आना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी अरे इतनी बड़ी दीवार कोई बनवाता है क्या अरे बाप रे कैसे चढ़ू हाय पूजा हाय हाय ये क्या है राम प्रसाद जी की वाइफ ने कहा तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो मैंने सोचा खाली हाथ जाना ठीक नहीं है और मुझे पता है कि ये मुझसे प्यार करता है लेकिन शायद ये सोच रहा है कि पहले मैं प्रपोज करूं पूजा मुझे प्रपोज क्यों नहीं कर रही है 12 बजे आने के लिए कहा था क्यों देर लगी सो गए थे मैं नहीं सोया था किसी ने सुला दिया था किसी ने सर पे बहुत जोर से डंडा मारा बहुत दर्द हो रहा है बताओ क्यों बुलाया था मुझे अरे बताओ ना जल्दी मेरे बगीचे का फूल तोड़कर मुझे ही दे रही है तू अब बोलो बाहों में ले लो नहीं देखो अगर तुम मुझे बाहों में लोगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगी सच में ले लो सच में ठीक है ए हाथ हटा क्यों अरे नारियल के पेड़ पर चढ़ रहे हो क्या ठीक से गले लगाओ ना चला जो भी है अच्छा लग रहा है भैया चला सुनिए भैया ये किसी चीज से डर गई थी और गले लग गई थी बस इसीलिए मैंने पूरा लाइव शो देखा मैंने भैया अगर इस सीन के बारे में मैंने बड़े भैया को बताया तो क्या होगा पता है अभी से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत डर लग रहा है भैया एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर मैं हूँ ना भैया एनीवे कांग्रेट्स भाभी जी कांग्रेट्स थैंक यू सॉरी वो उस दिन फिर शुरू हो गए मतलब तुमने मना किया था ना आने को बोला था ना नहीं आऊंगी तो यहाँ क्यों बुलाया ये देने के लिए मैटर समझ में आ गया ना यहाँ तो लव स्टोरी चल रही है मैं अपना काम कर लेता हूँ अरे चोर कहाँ है और तू कौन है चोरों का चोर चुप क्यों हो गया चिल्ला मुझे पता है तू भी चोर है चल तू उधर जा मैं इधर जाता हूँ मैं इस घर का नौकर हूँ चोर नहीं चल तू बाहर निकल नहीं जाऊंगा तो तू क्या कर लेगा सबको चिल्ला के बुलाएगा बुला 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 क्यों नहीं रहा है बुला ना तेरा भी लव मैटर है अब तू मुझे डिस्टर्ब मत कर मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करूंगा जा अपनी सेटिंग कर अरे घर में चोर घुस गया है फिर भी मैं उस चोर को पकड़ नहीं सकता हूँ सुबह सुबह मैं सबको क्या जवाब दूंगा बहुत देर हो गई अभी तक नहीं आया हे भगवान हर जगह पागल ही पागल है चलो यहाँ पहुँच गया क्या हुआ चुप अरे तू इस तरह से क्यों चिल्ला रहा चुड़ैल अरे ये चुड़ैल नहीं है मेरी पत्नी है क्या हुआ तुम लोगों को हाँ ये शोर क्यों मचा रखा है नींद नहीं आ रही है क्या ओए सबसे वकील की तरह सवाल करने वाला तू कौन है बे चुप ये कौन है यार बड़े साहब ये सब आपके बारे में जो बात करते थे अब बिल्कुल वैसे ही सर बिल्कुल वैसे ही है मैं चोर हूँ मेरा नाम है टिटी सर ये सबको देख रहे हैं ये सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ये भी प्यार करते हैं पर आपसे डरते हैं सर आपको देखकर एक बात तो पता चली मुझे कि आप कितने अच्छे हैं कितने महान हैं कितने बड़े दिल वाले हैं और ये सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं इसलिए ये लोग आपसे अपने प्यार के बारे में नहीं बता पा रहे हैं सर आप बहुत बड़े हैं मतलब आपका दिल बहुत बड़ा है जैसे आपका शरीर बड़ा है मेरी एक बात मानिए सर आप इन सब की शादी करा दीजिए चारों की शादी हो जाएगी बड़ा मजा आएगा सर सर मैं अपनी चोर की ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा ना सर तो उसमें आपके परिवार का एक पेज जरूर लिखूंगा वादा करता हूँ मैं आपसे सर एक और बात सर मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ पर मैं डर रहा हूँ सर हमारी बिरादरी में अगर चोरी करने जाए और कुछ चोरी ना कर पाए तो बहुत बड़ी बदनामी होती है सर
आप तो बड़े आदमी है, कुछ अपने मन से दे दीजिए सर, जो भी इच्छा हो दे दीजिए। इतना नहीं सोचा था सर। क्या है ये सब? मैंने कब तुम्हें शादी करने से मना किया? आप अगर शादी नहीं करेंगे तो हम भी शादी नहीं करेंगे, ये तुम ही लोगों ने कहा था ना। तुम लोग किसी औरत के कारण आपस में फूट नहीं चाहते थे ना। भैया जो कुछ हुआ भूल जाइए, हमें माफ कर दीजिए। ए ए, मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम लोग माफी मांगो। एक्सक्यूज मी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। आपके परिवार में खुशियां लाने के लिए मैंने बबलू का साथ दिया। मैं प्रॉब्लम में थी और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने आपके घर में रहने का नाटक किया। मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं आपके पांव छूकर माफी मांगती हूँ। हम अपने भाइयों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी छोड़ सकते हैं। बबलू, तुम्हारे दिल में मैं हूँ ये मैं पहले से ही जानती थी, पर अपने दिल की बात मैं आज तुमसे कहती हूँ। I love you। तुम्हें तुम्हारे भाइयों की शादी का इंतजार है ना? उन लोगों की शादी के बाद ही अपनी शादी करना चाहते हो ना? मैं उस दिन का इंतजार करूंगी, और अगर वो दिन नहीं आया तो हम अपना प्यार भूल जाएंगे। रुक जाओ, अपने फ्रेंड को अपने साथ ले जाओ। वो मेरी तरह पराई नहीं, वो आपके मामा की रिश्तेदार है। अरे मामा जी, वो चल हट रहे। नमस्ते साहब। मामा जी बैठिए तो सही। मैं यहाँ किसी के साथ बैठने नहीं आया हूँ। बच्चियाँ कहाँ हैं? रेखा, नंदिनी, इनसे शादी करोगी ऐसा कहती थी ना तुम। अगर इनके बारे में सोचोगी तो तुम भी घर पे ही बैठी रह जाओगी। ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं, चलो यहाँ से। पूजा कहाँ है? उन्हें तो साहब ने घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? छी, क्यों रे छोटे, तू तो पूजा से शादी करने वाला था, फिर क्यों जाने दिया अकेले उसे? लेकिन मैं तो भाई की मर्जी से शादी करना चाहता था, उनका दिल दुखा के नहीं। ये छोटे, छोटा है पर उससे कुछ सीखो तुम लोग। उसने तुम्हारे लिए अपने प्यार को छोड़ दिया, पर तुम लोगों ने उसके बारे में कभी नहीं सोचा। तुम लोग बिल्कुल नहीं बदलोगे। चलो बेटी यहाँ से। ए राम प्रसाद साहब, तू भी चल यहाँ से। ठीक है साहब। सर एक गुड न्यूज है। बोलो क्या है? पूजा ने अपना पुराना नंबर एक्टिवेट किया है, वो कहाँ है उसका पता चल जाएगा। ए, ए, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। पूजा एक बात बताओ, अपना पुराना नंबर फिर से एक्टिवेट क्यों किया? क्योंकि ये नंबर बबलू के पास है। तो क्या वो कांटेक्ट करेगा? कभी ना कभी तो वो कांटेक्ट करेगा ही। पर क्या तुम जानती हो पूजा, बबलू आजकल कौन से कंडीशन में है? ठीक है आ रहा हूँ। क्या हुआ इसे? रात में पार्टी थी और उसने कुछ ज्यादा पी ली। भैया ठीक है, तुम लोग जाओ। I'm sorry, पूजा। I'm very, very sorry. मुझे माफ कर दीजिए भैया। बबलू, अपने परिवार की खुशियों के लिए तुमने क्या क्या किया है मामा जी ने हमें सब बता दिया है। कैसे तुम पूजा को घर लेकर आए, कैसे उन गुंडों को अरेस्ट करवाया, ये सब एसआई ने बता दिया। देखो बबलू, मेरी खुशी तो सिर्फ तुम लोगों की खुशी में है। जाओ बबलू, जाके पूजा और अपनी भाभियों को ले आओ। अगर आप चाहते हैं कि हम खुश रहें तो आप हमारे लिए एक मासमान भाभी ले आइए प्लीज। अरे बबलू, तूने कर दिखाया यार, शादी के लिए मान गए हैं भैया। तू जल्दी से जाके पूजा को ले आ, बाकी सब कुछ हम लोग संभाल लेंगे। हेलो, तू उड़ रहा है एकदम तूफान।
आना, मार मुझे। उस लॉरी से तेरा एक्सीडेंट मैंने ही करवाया था। तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गया, पर आज नहीं बचेगा। तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है और मेरे ही हाथों होगी। छोटे आया मामा। आखिर तूने कर दिखाया। जी मामा जी, सबकी शादी भी करवा दी। हाँ सही और कहा, सबको हनीमून पर भी भेज दिया। हैप्पी शादी करके हनीमून पर जाना ओल्ड जनरेशन की स्टाइल है। मैं तो कुछ उल्टा ही कह रहा हूँ। मेरा मतलब पहले डेटिंग पर जाओ, एक दूसरे को समझो। ये आज की मतलब मेरी स्टाइल है मामा जी, हम डेट पर चलते हैं। बाय। मतलब शादी से पहले सब कुछ हो जाता है। बापरे, ये यंग जनरेशन तो बहुत ही फास्ट है।